हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपका फ़ोन भी स्लो चलता है या हैंग होता है तो आप किस प्रकार से अपने फ़ोन को सही कर सकते हैं, उसको अपने फास्ट स्पीड से चला सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में बताऊंगा आपको किस प्रकार से आप इसको फास्ट चला सकते हैं। तो आप भी यदि वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप फ़ोनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते होंगे, जिससे आपको फ़ोन गर्म होकर हैंग होने लग जाता होगा या स्लो चलता होगा। तो आइए इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको 5 टिप्स जिससे आपको फ़ोन एकदम फास्ट स्पीड से चलेगा और आपका फ़ोन लैग भी नहीं करेगा। तो नंबर 1 टिप्स आती है कैच फाइल को डिलीट कर देना। तो आपको कैच फाइल को डिलीट करने के लिए सिंपली अपने सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करना। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखा स्टोरेज का। स्टोरेज का आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कैच्ड डाटा का। तो आपको सिंपली इसको इरेज कर देना है। तो इसमें आपको कोई भी डाटा जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें बस अननेसेसरी जो फाइल्स रहती है वो आपकी यहाँ पर फ़ोन में अपनी स्टोरेज होती रहती है और ये आपके फ़ोन में स्लो हो जाती है, जिससे आपका फ़ोन स्लो चलने लग जाता है। तो इस फाइल को आप डिलीट कर देंगे तो आपको फ़ोन की स्पीड बेहतर हो जाएगी और वो सही चलने लगेगा। ये नंबर सेकंड टिप्स आती है यदि आप भी फेसबुक का इस्तेमाल तो ज़रूर करते होंगे। तो आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के रूप में, तो आपको फेसबुक का लाइट वर्जन यूज करना है। फेसबुक के लाइट वर्जन करने से आपका डाटा भी कम खर्च होएगा और आपकी बैटरी भी कम खर्च होएगी, जिससे आपका फ़ोन हैंग भी नहीं होएगा और आपका फ़ोन स्लो भी नहीं चलेगा। तो आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको फेसबुक की जगह आपको फेसबुक लाइट का आपको इस्तेमाल करना है। फेसबुक लाइट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बैटरी भी बचेगी और डाटा भी कम खर्च होएगा और फ़ोन हैंग नहीं होएगा, स्लो चलने से बचेगा फ़ोन। नंबर थ्री टिप्स आती है बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करें। आप अपने फ़ोन में चलाते होंगे तो आप जैसे बहुत सारे ऑप्शन को आप एक साथ में चलाते हैं, जैसे कि आपने म्यूजिक चला रखे हैं, गैलरी से आपने गैलरी खोल दी है, तो फिर आप जैसे बैक करेंगे तो आपको बैकग्राउंड जैसे आपने बैक कर दिया मगर आपने हटा दिया आप होम स्क्रीन पर हो, मगर आपको आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में आप कितने फंक्शन चल रखे हैं। तो इन फंक्शनों को आपको सिंपली बंद कर देना है, यानी कि आपको इसको हटा देना है। तो ये बैकग्राउंड पे ऐप होने से बच जाएंगे और इसी टास्क मैनेजर में जाके आप यहाँ से बैकग्राउंड में हटा सकते हैं। तो इससे आपका फ़ोन गति करेगा, आप जो भी फंक्शन चलाएंगे तो वो फास्ट चलेगा। नंबर 4 टिप्स आती है आप अपने एनिमेशन को बंद कर दो। फ़ोन में एनिमेशन ट्रांजेक्शन आपको देखने में अच्छे लगते हैं, वो बहुत मेमोरी खाते हैं, इससे आपका फ़ोन स्लो चलता है। तो इन्हें बंद करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर अपने सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना। आप जैसे सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अबाउट फोन्स का। तो अबाउट फोन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर पर 5 बार क्लिक करना है तो आपका डेवलपर ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। और तो यहाँ पर आपको वापस मेन सेटिंग में जाना है और यहाँ से डेवलपर ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो आप जैसे डेवलपर ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको थोड़े नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनिमेशन का। तो यहाँ पर आ गया है विंडो एनिमेशन स्केल, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एनिमेशन को ऑफ कर देना है। तो इसको बंद करने के बाद आपका ज़्यादातर फ़ोनों में ये स्केल है ना 1x पर होता है। तो जैसे जैसे ये स्केल को बढ़ाएंगे तो इसका 10x तक होने से बहुत फ़ोन स्लो चलने लग जाता है। इसको यदि आप 10x कर देंगे तो आपका फ़ोन बहुत स्लो चलने लग जाएगा। तो आपको सिंपली इसको बंद ही रखना है, जिससे आपका फ़ोन में स्पीड बढ़ जाएगी और आपका फ़ोन एकदम सही चलने लग जाएगा। नंबर फाइव टिप्स आते हैं यदि आप भी ब्राउज़र के रूप में क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, ज़्यादातर लोग क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल ही करते होंगे, तो आपको क्रोम ब्राउज़र का आपको डाटा सेवर ऑन करके रखना है, जिससे आपको फ़ोन का डाटा भी बचेगा और आपकी जल्दी से बैटरी भी इकट्ठी नहीं आएगी। और ब्राउज़र के दौरान आप वेबसाइट का यूज करते हैं तो आपकी जो कैच फाइल है वो भी एकत्रित नहीं होगी, और जिससे आपको फ़ोन स्लो नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, क्रोम ब्राउज़र पे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना है सेटिंग्स का। सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा लाइट मोड, तो लाइट मोड पे सिंपली करके इसको ऑन कर देना है। यहाँ पर आपका ऑफ होगा तो इसको सिंपली ऑन कर देना है, जिससे आपका फ़ोन सही चलने लगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।